हेलो फ्रेंड्स, आज हम मलाई से मक्खन और मक्खन से घी कैसे बनाते हैं उसकी विधि मैं आज के साथ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए, चलिए हम इस घी को बनाना और अपने मलाई से मक्खन बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूँ सुषमा, कुकिंग सुषमा में आपका स्वागत है। मैंने मलाई से मक्खन, ये मैंने मलाई रखी थी, ये मेरी 10 दिन की मलाई है, ठंडी है, मैंने फ्रिज से अभी निकाली है। इसको हम अभी इससे अपना मक्खन निकालेंगे। आप मलाई से भी मक्खन निकाल सकते हैं। इसे इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि ये मैंने फ्रिज में रखी हुई थी। ये पूरी ठंडी मलाई है, देखिए ये एक्स्ट्रा दूध हमने निकाल लिया है। ये और कटोरी में भी रखी हुई थी, ये भी मैं इससे निकाल लेती हूँ अपनी मलाई। देखिए देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे मशीन का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं एक मेथानी का यूज़ कर रही हूँ। इससे ही मैं आज मलाई निकालूंगी और इसे मथने में हमें थोड़ा समय लगेगा, मगर हम इससे ही मथ कर, अगर आपके पास मशीन ना हो, मथानी हो, तो हाथ से भी आप मथ के मक्खन निकाल सकते हैं और मक्खन से घी निकाल सकते हैं। इसे मैं इसमें कुछ नहीं डालने वाली हूँ, ना पानी ना आइस क्यूब्स। इसी से ही आप बार बार चलाते हुए, थोड़ा 10-15 मिनट लगेंगे आपको चलाते हुए। अगर आपके पास मशीन ना हो तो इस विधि से भी आप मक्खन निकाल सकते हैं और उससे भी अपना घी बना सकते हैं। ठीक, मैं इसे मथूँगी, इसे थोड़ा 10-15 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा मक्खन कैसे निकला है। आपको थोड़ा मथते हुए बहुत टाइम हो जाएगा, अगर आप चाहें तो ऐसे हाथ से भी ऐसे ऐसे करके मथ सकते हैं, जैसे पुराने ज़माने में लोग मथानी से मथते थे। इस तरह से भी आप मथ के मक्खन निकाल सकते हैं, थोड़ा है जल्दी से मथ जाता है। ये देखिए, ऐसे मथ कर मथानी से, मथानी जैसे मक्खन निकाल सकते हैं हम। इसमें बबल्स आने लगे हैं, देखिए धीरे धीरे। आप एक चौड़ा बर्तन लीजिए या सकरा बर्तन भी ले सकते हैं, एक मटके का आकार का। मैंने ये कढ़ाई ली हो क्योंकि मेसी में मुझे उबालना है, इसलिए मैंने ये कढ़ाई ली है। देखिए फ्रेंड्स, ये मुझे मसते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो गया है, इसमें मैंने पानी भी नहीं डाला है। फिर ये देखिए, ये मसते हुए तक गाढ़ा हो गया है और थोड़ा 5-10 मिनट और रखेंगे तो इसमें से ये उसका थोड़ा सा मक्खन निकल आएगा और दूध छोड़ देगा। तो जो एस्टर दूध है जो उसका, वो निकल आएगा। देखिए इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, ये बिल्कुल ठंडी मलाई थी। तो इससे देखिए मथते मथते मुझे 10-15 मिनट हुए। अभी 5 मिनट और हम थोड़ा सा मथेंगे जिससे ये पूरा मक्खन ऊपर निकल आएगा और एस्ट्रा जो दूध है उसका, वो निकल के आ जाएगा। देखिए ये मक्खन निकलते जा रहा है। आप मलाई से भी मक्खन निकाल सकते हैं। अगर आप दूध एक्स्ट्रा लेते हैं, दूध लेते हैं, तो उसकी जो मलाई है आप रखते रहिए, रखते जाइए और उसकी ये मक्खन निकाल सकते हैं। ये देखिए, उसका एक्स्ट्रा जो दूध है वो निकलते जा रहा है। देखिए ऐसे मथते मथते, क्या मशीन में 5-10 मिनट में लगते हैं, मैंने मशीन में 5 मिनट लगेंगे, आपको थोड़ा हाथ से थोड़ा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। अगर आपके पास मशीन नहीं हो तो आप इस तरह से मथानी से भी आप मक्खन निकाल सकते हैं। देखिए ये उसने पूरा दूध छोड़ दिया। ये देखिए, मैंने कुछ भी इसमें ठंडा पानी भी नहीं डाला है, ना मैंने इसके आइस ट्यूब डाला है, ये वैसे ही निकल आया। ये एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेंगे, मतलब एक्स्ट्रा दूध जो है हम इसे निकाल लेंगे। आप एस्टर दूध को किसी भी बर्तन में निकाल सकते हैं। ये मैंने, मेरा दही का बर्तन है, इसमें निकाल रही हूँ, जिससे ये हमारा दही भी साथ में ये दूध से बन जाएगा। ये मैं दही जमाती हूँ इसमें, इसी में मैंने इसे डाल लिया है, जिससे ये दूध एक दही का रूप भी ले लेगा। आप इसे इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एस्टर दूध है उसे आप एक दही में, या आप जो दही बनाते हो जिस बर्तन में डाल लीजिए, वो आपका दही भी बन जाएगा साथ में। और ये अब और इसे हम थोड़ा सा और मथेंगे, जिससे इसका एक्स्ट्रा दूध और निकल जाएगा। देखिए ये निकलते जा रहा है साथ में, जैसे ही मैं मथती हूँ ये एक्स्ट्रा दूध उसका निकलते जा रहा है और हमारा ऊपर मक्खन निकलते जा रहा है। ये निकलते जा रहा है और ये एक्स्ट्रा दूध मैं इस मक्खन में, इस दही में डालते जा रही हूँ, जिससे हमारा दही भी तैयार हो जाएगा इसी दूध से। इसमें क्या है, थोड़ा सा चिकनाई रहती है, मगर हम इसका घी बनाने वाले हैं अपनी मलाई का। ये मक्खन निकल आया है, अब इसी को हम उबाल देंगे तो ये घी बन जाएगा। और अगर आपको बटर बनाना है तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए,
और फिर जमा लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए। जब चाहे आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज़ में, मगर हम घी बना रहे हैं। ये एक्स्ट्रा दूध मैं निकालते जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने घी गैस चालू कर दी है और ये अपना मक्खन जो मैंने अभी निकाला है उसे हम गर्म कर देंगे और ये हमारा घी बन के तैयार हो जाएगा। मलाई से आप मक्खन और घी दोनों बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि मक्खन निकला हुआ है, अब इसी को हम उबाल लेंगे तो ये एक घी बन जाएगा। जो एक्स्ट्रा जो इसमें छपा हुआ है वो उसको भी हम निकाल लेंगे। अब इसे थोड़ा स्लो आंच में हम पकाएंगे और ये हमारा घी बन के तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मक्खन पक रहा है। थोड़ा थोड़ा मैं स्लो आंच में पका रही हूँ, तो ये इससे से हमारा घी रिलीज हो रहा है और ये पक रहा है धीरे। इसे छूइएगा नहीं, ऐसे ही पकने दीजिए। ये ऐसे ही सही इससे घी निकल आएगा। आप इसे छूएंगे तो इसके रवे बिखर जाएंगे और घी में रवा चले जाएंगे, इसलिए इसे इसी तरह से स्लो आंच में पकाना है। और जब जब घी निकल आए, रिलीज हो जाए, तो इसे एक डब्बे में जिसमें आप घी रखते हो उसमें रख लीजिएगा छान के, जब ये ठंडा हो जाए। देखिए ये पक रहा है, जब ये पकने लग जाएगा तो एक घी का रूप ले लेगा। मैं दिखाऊंगी भी थोड़ी देर से। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा घी बन रहा है, तब उबल चुका हैगा। ये जो एक्स्ट्रा है उसको हम किनारे किनारे कर देंगे। ये पक गया है हमारा घी और इससे अच्छी खुशबू आने लगी हैगी। और अब इसे आप ठंडा होकर अपने घी के डिब्बे में रख लीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है मलाई से घी बनाने का, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा घी बनके तैयार हो गया है, इसे अब मैं इसमें डब्बे में डालूँगी। देखिए ये हमारा घी बनके तैयार हो गया है बिल्कुल।